गाय की तस्करी करने वालों को गाय की तस्करी करने वालों पर सर आज के प्रदर्शन के बारे में। सर आज का प्रोटेस्ट अभी परसों की घटना मड़ ब्लॉक के अंदर घटी है। गाय की तस्करी कर रहे हैं, पुलिस ने उनको पकड़ने का प्रयास करा, पुलिस के लोगों के ऊपर तस्करों ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद पुलिस वालों को 20 टांके लग गए, 3 लोग जो है वो जख्मी हो गए, हॉस्पिटलाइज हैं। अरे तस्करों का इतना मनोबल बढ़ गया, पुलिस को समझने का प्रयास नहीं करना चाहते। एक घटना यहाँ हुई विजयपुर के अंदर में, घटना घट गई वहां भी मार पड़ गई। अरे पीछे घटना घटी थी बजना के अंदर, वहां भी मार पुलिस वालों को पड़ गई। अरे क्या मनोबल को बढ़ाने का प्रयास हम करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये जो तस्कर हैं ये कोई बड़े महान व्यक्ति हैं जिनको हम गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं कर सकते? और उसके बाद उनके समाज के लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कंसर्निंग SHO को ट्रांसफर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जो हमलावर है वो कह रहे हैं कि SHO को ट्रांसफर करना चाहिए और बोइंग स्मगलिंग की अनुमति देनी चाहिए। माननीय उपराज्यपाल जी आपसे अपील करना चाहता हूँ, करती कोई गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। सबसे पहले ये प्रतिबंध जम्मू कश्मीर के अंदर लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा गौ तस्करी जम्मू कश्मीर के अंदर होती है और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या जिसका समाधान हमें करना पड़ रहा है। कल रात्रि में पुल के ऊपर था, ऐसी गायें जो दुधारू नहीं है उनको पैदल चलने का प्रयास, नगरोटा से आगे गाड़ियों में बैठाने का प्रयास। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर इन लोगों को गिरफ्तार करो और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जम्मू बंद की काल आएगी। और ये भी कहना चाहता हूँ, गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, वो जो माँ कार्य करती है उसका कार्य एक गौ माता अपने रोल को अदा करने का प्रयास करना चाहती है।